चाची के लिए उसे आसेब का असर है। आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे साई। खुश तो हो ना? कहा कुछ है सरकार, कहा कुछ है। आपको नाराज किया, सारन को पढ़ाया, उसकी सजा भुगत रहे सरकार। हमारी तो तकदीर उठ गई है सरकार, दुआ करें। क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे सरों पर से तो कयामत गुजर गई है सरकार। पुनल का पता नहीं है साईं, दुआ करो, पुनल का पता नहीं है, पता नहीं कहां चला गया। अल्लाह साईं सब खैर करेगा, आ जाएगा पुनल। छोरे का दिमाग पहले ही से चढ़ा हुआ था, निकल गया होगा कहीं आवारा गर्दी करने, आप ही लौट आएगा। आपकी जुबान मुबारक हो साईं, वो आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, दुआ करें साईं। छोरी को पता नहीं क्या हो गया है, न खाती है न पीती है साईं, इसको दुआ करे साईं। इधर आओ छोकरी। आजा छोकरी, तुझे बड़ा साईं बुला रहा है ना, मुर्शिद की आवाज पर कदम न बढ़ाना गुनाह है छोकरी। आजा, चलो आप, चलो चलो साईं से दुआ मांगो, चलो। इससे आसेब का असर है सुखिया। हाँ सही, मैं जानता हूं, शाम को पानी भरने निकल गई थी, कहीं रास्ते में उसका असर हो गया आसेब का। हाँ सही, सब ठीक हो जाएगा। बाबा साईं की मजार पर जो फकीर बैठता है, जिन निकालने का इल्म उसके पास है, उसको बुलवा लेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। समझे कि नहीं? जी सही समझ गए। आप सलामत रहें साईं, आप सदा ही सलामत रहें साईं। ले जाओ इसको घर। अच्छा, चल छोरी, चल। कहाँ गया था तू? तेरा बाप तुझे ढूंढने गया है। कहाँ लेकर गया था बाबा सरी को? मुर्शिद के पास लेकर गया था। क्यों, तू क्यों पूछ रहा है? इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई इसका इस घर के फैसले पर अख्तियार है मुझे, इसलिए पूछ रहा हूं कि गुंडे जानवर की तरह उसको चारपाई के साथ बना नहीं देखना चाहता मैं। कैसी है तू अजी? मैं जानता हूं तुझे क्या हुआ है। आसेब है इसे। आसेब तुम्हारे मुर्शिदों को है जो उसे निकल जाना चाहते हैं। देख, मुर्शिद के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी तू बोला ना तो नहीं बख्शूंगी तुझे कयामत के रोज। जिंदगी की इस कयामत में तो तुम मुझको बख्शने रही हो, तो उस कयामत की क्या बात करती हो? और एक बात गौर से सुन लो अम्मा, अगर आइंदा इस घर से कोई इसको बड़े साईं के पास लेकर गया, या अगर किसी ने यह कहा कि इसको आसेब है, तो ये घर छोड़कर चला जाऊंगा मैं। मेरी शक्ल देखने को तरस जाओगे तुम सब। खुद को बड़ा अकाबर समझने लगा है, चार लफ्ज पढ़कर गुमराह होने लगा है तू।
से बोलती थी। अपने भाई से भी बात नहीं करेगी। बोली थी, तूने क्या देखा है? परेशान लगते हो? सोचता हूं कि कितना बेबस हूं मैं। बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे अंदर दीमक भरा हो और आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर से मुझे चाट रहा हो। खुद को इतना परेशान मत किया करो, अब सो जाओ तुम। कैसे सो जाओ मैं? पुनल की सरगोशियां सोते में भी मेरा पीछा करती हैं। सुरई की खामोशी सवाल बनकर गूंजती है मेरे अंदर। अभी अमीना की बेबसी अम्मा बाबा के अंधेरे की थे और राबेल की आंखें। कैसे सो जाऊं मैं? कौन राबेल? तुम्हें कैसे पता चला? अभी तुमने उसका नाम लिया था। तुम्हें बहुत पसंद है क्या? कौन? वही जिसका अभी तुमने नाम लिया था, राबेल। उससे शादी करना चाहती हो? एक बात कहूं? हाँ, कहो। अगर तुम मुझे अपने रास्ते की रुकावट समझते हो तो रास्ता बदल कर गुजर जाना। मैं तुमसे शिकवा भी नहीं करूंगी। अभी तक नहीं सोए? वो नींद नहीं आ रही थी मुझे। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम इतना घबरा क्यों हो? दरवाजा खोलो। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ ना तुम। आइए। बैठें जी। मिर्जा बैठे। बहुत ज्यादा देर तो नहीं कर दी हमने? नहीं तो सिकंदर, क्यों आए ये लोग इस वक्त?
मैं राजन को लेने आया हूं। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं राबेल को लेने आया हूं। तुम कौन हो तुम राबेल को ले जाने वाले? मैं समझा था अब तक आप मुझे पहचान गई होंगी, लेकिन शायद ठीक तरह से पहचान नहीं पाई मुझे। भाई हूं इनका, इख्तियार है मुझे इन्हें साथ ले जाने का, और यहीं ले जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। अपने चटेदार के साथ ब्याह कर इसे हवेली चलना होगा। राबेल, ये है लखमीर खान जिसके साथ तुम्हारा निकाह है अभी। देखो राबेल, भाई हूं तुम्हारा, ऐसे मौकों पर गौरतमंद भाई बहनों को गोदों से छलनी करने से गुरेज नहीं करते। मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम उस इज्जत और वकार के साथ हवेली चलो जो मेरी बहन होने की हैसियत से तुम्हारा हक है। मैं फैसला करने के लिए तुम्हें एक मिनट देता हूं। ये बताते हुए कि इनकार सुनने का आदि नहीं हूं मैं। नहीं, ऐसा मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी। नहीं, मैं खुद भी ये चाहता हूं, लेकिन आप राबेल को ले जाओ। तुम इसे ले जाओ, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, भूल जाऊंगी इसे, भूल जाऊंगी, मैं समझूंगी ये थी ही नहीं। लेकिन यूं मेरे सीने में अंगारे मत भरो, मेरा का मत भरो, मत भरो। सिकंदर, तुम निजाम और गांवों को लेकर आओ। निजाम साहब आइए, आइए आप भी। आप पूछ सकते हैं निजाम। बेटी, राबेल बिंत भावर खान तुम्हें लखमीर खान वलदरिया खान से बहक के महर 1,00,000 रुपए मुअज्जल निकाह कबूल है? कबूल है? कहो हां। राबेल, हां कर दो। कबूल है? सकी, सारे हथियार पहन दिए मैंने। तुम जिंदा रहो, आप बात रहो, ये तो कबूल है मुझे, लेकिन ये कैसे कबूल कर लेती कि मुझे मर जाने दिया होता मम्मा? मरने से पहले हम न जाने कितनी बार मारे जाते हैं अपने हाथों और उनके हाथों। जुदाई का मौसम एक बार नहीं कई बार आता है, दुख का कोई भी जायका नया नहीं है। समझना, बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हुए तुम्हारे पर आप ही आप टूट गए। और ऐसा ही नहीं था ना, लड़कियों के पर बहुत ऊंची उड़ान उड़ ही नहीं सकते।
अब आप रावेल को इजाजत दीजिए, हम चलते हैं अब। नहीं नहीं मम्मा, नहीं नहीं मम्मा, नहीं। अब तुम जाओ, तुम जहां भी रहो आबाद रहो। तुम्हारे ये हाथों का लम्स और तुम्हारी खुशबू कभी भी न मुरझाए, बहुत है मेरे लिए, बहुत है मेरे लिए। नहीं महल खान, तुमने इसे बहन कहा है ना, तो भाई बनकर इसे संभालना। इसका हर सुख हर खुशी कर्ज है तुम पर महल खान। यूं समझना जिसे मेरे सीने से दिल निकाल कर लिए जा रहे हो। तो
दीदी दीदी क्या है? वो आ गए हैं दीदी। कौन? लक्ष्मी खान की दुल्हन, आप ही से मिलने आ रही हैं। अच्छा तुम लोग चलो। मुबारक हो लखवीर खान। आपको मुबारक हो जीजी। जीजी ये है रावेल, लखवीर खान की दुल्हन, इस घर की इज्जत और गैरत, आपकी बेटी। मत कहो इसे मेरी बेटी। जिस रिश्ते के लिए तेरे बाप के सामने नहीं झुकी, आप कैसे झुक सकती हूं? हां लखवीर खान की दुल्हन की हैसियत से आई है तो ठीक है। आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं जीजी, हालांकि वही हुआ है जो होना चाहिए था। मैं तो समझी थी कि तू बड़ा होगा तो बाप की ज्यादतियों की तलाश ही करेगा, मगर मगर तू तो बाप से भी पत्थर दिल निकला। बस जीजी बस, बहुत हो चुका। रावेल को अपने कमरे में ले जाओ उसमें। आज ये आई है, कल इसके पीछे इसकी मां भी आएगी। हुआ तो वही जो तेरे बाप ने कहा। ऐसा कभी नहीं होगा जीजी। रावेल के यहां आने के बाद समझो के दरवाजे पर कुफल पड़ गया। अब ना ये बाहर जाएगी ना वो अंदर आएगी। ये जेवर पहन ले। नहीं मैं सब कुछ नहीं पहनूंगी। तुम्हारे कहने पे जोड़ा तो पहन लिया है मैंने। प्लीज मुझे और मत तंग करो। चाचा साई ने कहा है मेरे पहने। हाँ सेवर पहन लेना। रोना चाहती हूँ तो जी भर के एक ही बार रो लो। चुप रहने से क्या बर्दाश्त की आदत पड़ सकती है? नहीं कुछ तो कहो। किस तरह एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की होते हुए भी तुमने
क्यों हथियार फेंक दिए? आइए बाबा साहब, आइए। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी है हमारी बेटी। शाला खुश रहो, सदा आबाद रहो, सदा आबाद रहो बेटी। अब ये घर, यहां की हर चीज तुम्हारी भी है, खुद को हमने से समझना। अपना ये बहुत सी दीवारें गिरा देती है। मैं तुम्हारा चचा हूं, दरिया खान, बहावर खान का बड़ा भाई, तुम्हारा ससुर भी, बहुत सारे रिश्ते हैं तुम्हारे हमारे। अपने बड़े अबू के साथ बोलूंगी मैं। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी है हमारी बेटी। शाला खुश रहो, सदा आबाद रहो, सदा आबाद रहो बेटी। अब ये घर, यहां की हर चीज तुम्हारी भी है, खुद को हमें से समझना। अपना ये बहुत सी दीवारें गिरा देती है। मैं तुम्हारा चचा हूं, दरिया खान, बहावर खान का बड़ा भाई, तुम्हारा ससुर भी, बहुत सारे रिश्ते हैं तुम्हारे हमारे। अपने बड़े अबू के साथ बोलूंगी मैं। अच्छा अच्छा, बेटी जी। बाबा साईं, अभी नहीं आई है ना, अभी इसका दिल भरा हुआ है, इसका ख्याल रखना, इसे किसी किस्म कोई तकलीफ ना होने पाए, इसे अपने करीब रखना। तुम तो जानती हो कि यहां। जी बाबा साईं, सब जानती हूं। बेटी, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, जो कुछ हुआ उसे रजा अल्लाह ही समझो, उसकी रजा के सामने तो हम सब बेबस हैं। इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है, हमें से किसी को गलत न समझना। तुम हमारी बेटी हो, हमारी इज्जत, हमारा वकार हो। तुम वहां आई हो जहां किसी इज्जतदार खानदान की बेटी को होना चाहिए। अच्छा बेटी, घबराओ मत, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी तो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं, लेकिन सब कहते हैं कि हमें मां कहकर बुलाना चाहिए तुम्हें। तुम तो हमारे लिए लगते ही नहीं। एक बात पूछूं, ये बाबा साहब और चाचा साहब क्या जबरदस्ती लाए हैं तुम्हें?
ये जानते हुए भी कि उस मामूली शख्स के साथ दोस्ती थी तुम्हारी, मैं तुमसे शादी करने पर रजामंद हो गया। मैं इसलिए कि ये मेरा कमरा है, मेरा कमरा है, ये मैं ब्याह कर इसी कमरे में आई थी। रईस, यहां मेरा बेटा सोया हुआ था, तो मैं तो नहीं देखा उसे, पता नहीं कहां चला गया वो, पता नहीं कहां चला गया। यहां भी नहीं है, तो कौन है, क्या लेने आई है यहां, बता क्या लेने आई है। अंगारों पर नंगे पैर चलेगी ना, तो जल जाएगी तू, जल जाएगी तू, जल जाएगी तू, जल जाएगी। सुखा, चलो बाहर, मैं कहता हूं चलो बाहर, दबाओ जाओ यहां से, मैं कहता हूं दबाओ, नफरत है मुझे तुम्हारे। नसीब बेटे, तुम्हारे अबू मरान खान तुमको बुला रहे हैं, जाओ जाओ बेटे। चादर बेटे, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था यहां लाने के लिए, अच्छा तुम खुद ही आ गई। तुमने पहचाना नहीं ना, यही तुम्हारे बाबा साई हैं, रईस बहावल खान। बहावल खान, ये तुम्हारी बेटी है राबेल, लखमीर खान की दुल्हन, मेरी बहू। ज्यादा प्यारी लगती है, मैं समझाया था मेरे लिए, मगर वो ना समझ में आने वाली बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ऐसे मैं खुश हूं, जहां तुम्हारी बेटी को होना चाहिए था ना, वहां आ गई। लखमी खान मजाक जरा कड़वा है, लेकिन फिक्र की कोई जरूरत नहीं, मैं भी जिंदा हूं। वैसे राबेल बड़ी जहीन बच्ची है, संभालेगी उसे। अलबत्ता भाजाई जरा नाराज है, समझो उसने वही पुराना झगड़ा शुरू कर दिया, लेकिन इस बार तुम्हारा बेटा है उसके मुकाबले में,
उसकी खुदसरी ने मुझ जैसे पहाड़ को झुका दिया। भाजाई तो फिर भी औरत जात है, तो फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम इस इलाके की अच्छी खोजी हो, पैरों के निशानात से क्या अंदाजा लगाया है तुमने? रईस सर, पैरों के निशानात हमारे गांव के किसी भी आदमी के नहीं है। फिर मैंने जानो तांगे वाले के घर के करीब ऐसे ही निशानात देखे हैं। तुम्हारी मुराद उस आदमी से है जिसे जानू यहाँ लेकर आया था? बिल्कुल रईस, बिल्कुल। मुझे शक था ये आदमी किसी और ही नीयत से यहाँ आया है। रईस, मुझे तो वो किसी दुश्मन का आदमी लगता है, इससे पहले कि वो यहाँ से भागा। मजाल नहीं है उसकी के वो मेरी गिरफ्त से बाहर जाए। साईं, ये कुलाड़ी भी उसी की है जो भागते हुए छोड़ के गया था। ठीक है कमदार जी। साईं, किसी भी तरह उसे आज रात यहां होना चाहिए। हाजिर साईं।